गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। थैंक यू आंटी। अच्छा बच्चों, याद है कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यस आंटी। उसी के आगे हम लोगों को आगे बढ़ना है। यस आंटी। हम लोगों ने पढ़ा था, पढ़ रहे थे भूखा भूखा। हम लोगों ने ये जाना था कि भूखा कैसे आते हैं, और ये भी बात की थी कि कुछ समय पहले ही भूकंप आया था और हमने उसको महसूस भी किया था। तो हमने इसके बारे में क्या पढ़ रहे थे? हानि और लाभ भी थे कि अगर भूकंप आता है तो उससे कुछ हानियां भी होती हैं और कुछ लाभ भी। तो हानियां क्या क्या हमने बात करी थी? भूकंप से रेल की पटरी, पुल, बिजली के खंभे, ये सब चीजें क्या होती हैं? टूट जाती हैं। इसके अलावा और क्या नुकसान होता है? मकान नष्ट हो जाते हैं, कारखाने वगैरह नष्ट हो जाते हैं, और बहुत जन धन की हानि होती है। जन धन मीन्स बहुत पैसा वेस्ट होता है, और जन मीन्स लोगों का नुकसान, बहुत सारे लोग इसमें मर जाते हैं। कैसे? उस मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं। और गहरी समुद्री जगह पर जब ये भूकंप आता है तो वहां क्या होता है? वहां पे जितने भी तटीय क्षेत्र है, वहां के तटीय क्षेत्रों पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारे तटों पे हम लोग जो सामान हमारा आता है, आयात निर्यात सब होता है, ये सब तटों से ही होता है। और तटों के भी बहुत सारे यूज है, उपयोग में आते हैं हमारे तट, समझ के। तो वहां पर बहुत जनधन की हानि होती है, लेकिन यहाँ नुकसान होता है तो उसके कुछ हमारे लाभ भी है। तो भूकंप के लाभ हमने क्या क्या जाने थे? ये जो भूकंपी तरंगे ये पृथ्वी को पार कर जाती हैं, जिससे पृथ्वी के अंदर की सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। दूसरा, भूकंप से बहुमूल्य खनिज ऊपर आ जाते हैं और हमें आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तीसरा, समुद्री भाग में भूकंप आने से तटीय भाग नीचे। क्या बताया था उस दिन? कल आपने हमें क्या पढ़ा था? तटीय जब ऐसे है तो समुद्री जहाज कैसे यहाँ किनारे आकर लग सकता है? तो इतना रास्ता तय करना पड़ेगा। और अगर ये चीज, ये जो एक खाई तटीय भागों में ये चट्टाने अगर टूट के गिर जाती हैं, ऐसे गिर गई तो ये क्या बन गया? ऐसे फ्लैट। तो जहाज पानी का आसानी से यहाँ पर लगाया जा सकता है, क्योंकि सारा जितना व्यापार होता है वो किसके जरिए होता है? जहाज, बंदरगाहों से ही होता है, पानी के जहाज के द्वारा ही सामान सारा मंगाया जाता है और भेजा जाता है। तो ये आपको हमने क्या सीखा आज? लाभ और हानि, ठीक है। अच्छा, अभी रिसेंटली हम लोगों ने कुछ समय पहले ही भूकंप को झेला है, तो आपको ये पता है कि भूकंप आता है तो सबने अलग अलग बताया था। अच्छा, जब भूकंप आया तो क्या किया? ग्राउंड में चले गए। एक एक करके बताइए। आंटी जब हम ग्राउंड में गए थे तो आंटी खुद बच्चे नहीं आ पाए थे, तो आंटी वो टेबल के नीचे आ रहे थे। टेबल के नीचे, हाँ, वेरी गुड। और आप क्या, आपने क्या महसूस किया था? कहाँ थी आप जब भूकंप आया बेटा? आंटी वो मेरे पास कोई टेबल चेयर नहीं थी आंटी, जिस वजह से आंटी मैंने अपना बैग अपने सर पे रखा। हाँ, वेरी गुड, ये भी अच्छा किया आपने। और किसने क्या किया? गुंजन, आपने क्या किया बेटा भूकंप आया तो? नीचे बाहर निकल गई। हाँ, बाहर निकल गई। तो इसमें बहुत सारे हमको भूकंप के बचाव के तरीके सीखने होते हैं कि जब भूकंप आए तो हमें क्या क्या करना चाहिए। अब क्योंकि इससे बहुत ज्यादा विनाश होता है और हमें अपने को तो बचाना ही होता है, तो उसके समय जब भूकंप आता है तो हमें क्या करना है? एकदम खुले स्थान पर, जैसे हम किसी घर पर हैं या किसी जगह पर बैठे हैं, तो हमें कहाँ पहुंच जाना है? एकदम खुले स्थान पर। और वो खुला स्थान पर भी क्या ध्यान देना है? कि कोई पेड़ नहीं हो, या फिर वहां कोई खंभा नहीं हो, या फिर किसी जो पुल बने हुए हैं, देखा सड़कों पे बहुत सारे पुल, उसके नीचे हम ना खड़े हों, क्योंकि वो भी तो गिर सकता है। भूकंप आएगा जब जमीन हिलेगी तो वो भी गिर सकता है। इसी तरह से आपने देखा होगा जगह जगह विज्ञापनों के साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, लोहे के खंभों पर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, कहीं वो ऊपर तो नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, अगर मान लो स्कूल में है, हम स्कूल में हैं और ऐसा हो जाए,
तो क्या करोगे? तो टेबल के नीचे चढ़ जाना चाहिए। हाँ, या तो पहले क्या करोगे, बाहर ठगोगे, और नहीं तो भाग बहुत भीड़ है या नहीं निकल पा रहे हो तो क्या करोगे, टेबल के नीचे छुप जाओगे। और टेबल के नीचे भी छुपने में दिक्कत हो रही कि एक एक बच्चा अगर टेबल के नीचे नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, अपना बैग सर पर रखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही घर पर है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कुछ नहीं, तो कोई भारी तकिया वगैरह अपने सर पर हम रख लेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर जो लोग कार में बैठ के जाते हैं उनको क्या, कार रोक करके बाहर निकल जाना चाहिए, कार को छोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए। और इन सब तरीकों से हटकर हमारी जनरेशन के लोगों को क्या करना चाहिए, अगर हम मान लो पिक्चर देख रहे हैं, अगर हम पिक्चर देख रहे हैं वहां तो बहुत सारी भीड़ होती है ना, भीड़ की जगह पे पिक्चर देख रहे हैं और ऐसा हो जाए तो हम क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा खास बात, हाँ सबसे पहले जो छोटे बच्चे हैं और बूढ़ों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम ही पहले दौड़ के निकल गए तो उनको कौन देखेगा, ठीक है। तो पहले हमें उनको बाहर निकालना होगा, फिर अपने आप को सुरक्षित करना होगा। तो चलिए हम लोग आज एक एक्टिविटी करते हैं, इसमें मैं आपको ये डस्टर बजा करके इंडिकेशन दूंगी, आपको बताऊंगी कि भूकंप आ रहा है मान लो, तो आप कैसे क्या मैनेज करोगे, कैसे करोगे उस टाइम, ठीक है, तैयार सा, हाँ, कि जिस, क्योंकि जब अचानक से आपदा आती है बेटा तो आप पहले से अपने दिमाग में नहीं, आपको पता है तो अचानक से रिएक्ट करने में, अचानक से उस चीज को समझ पाने में दिक्कत होती है ना, तो आप पहले से उस चीज के लिए प्रिपेयर रहते हो तो वो काम हम आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। अब हम डस्टर को जब बजाएंगे तो हमको ये देखना है कि आपने अपना अपना बचाव कैसे किया, ठीक है। इसका मतलब होगा जब हम आवाज करेंगे कि भूकंप आया, उतने सेकंड के लिए भूकंप आया, ठीक है, स्टार्ट, रेडी, बस बेटा आप आ जाइए, अब इससे एक चीज आपने ध्यान दी ये करने से, क्या कि आप लोग किसी से लड़े भिड़े नहीं, टकराए नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्यों, क्योंकि आप दिमागी तौर से तैयार थे कि जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो हमें क्या करना है। तो आपने जो दिमाग में सोचा, कुछ बच्चों ने सोचा था कि अगर आता है भूकंप तो हम बाहर जाकर खड़े हो जाएंगे खुले में, उनके लिए बाहर का दरवाजा पास था तो वो बाहर जाकर खड़े हुए, आपके लिए दूर, उतनी दूर जाना मुश्किल था तो आपने अपने को एक टेबल के नीचे रखकर सुरक्षित रखा। इसी तरह घर में जरूरी नहीं कि टेबल है, आपके पास बिछाने के लिए तख्त हो सकता है, कोई भारी चीज हो जिसके नीचे आप अपने को छुपा सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि इन सब चीजों को, और सबसे बड़ा और क्या सीखा आपने, कि अगर हमारे घर में कोई छोटा है या कोई बुजुर्ग है, पहले हम उसको बाहर निकालेंगे या उसको सुरक्षित करेंगे तरीके के साथ, उसके बाद अपनी सुरक्षा पर ध्यान देंगे। अच्छा, अब इसमें से एक एक बच्चे को हम पूछेंगे, एक एक पॉइंट बताइए कि भूकंप से बचने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, कौन सी सावधानियां मीन्स रखनी होंगी, ठीक है। चलो बेटा बताओ, आदि भूकंप से बचने के लिए, आदि खुले स्थान पर जाना चाहिए। और बाकी कुछ चीजें भी आप लोगों को पता है, आपने बताया कहाँ पे हमको क्या, जैसे भाग कर गए तो कहाँ नहीं जाना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। हाँ बताओ बेटा, आंटी अगर हम साइकिल से कहीं आ जा रहे हैं तो सबसे पहले साइकिल को रोककर होगी भागना चाहिए खुले स्थान पर। हाँ, साइकिल तो वैसे खुले स्थान पर होगी बेटा, ऐसी जगह पर खड़ा होना चाहिए
जहाँ कोई हमारे ऊपर गिरने वाली चीज ना। ठीक, हाँ बेटा अब बताओ। हम किसी पुल के पास खड़े हो या फिर खंभे के नीचे खड़े हो तो हमें से दूर हटकर किसी खुले स्थान पे खड़े हो। हाँ वेरी गुड, हाँ क्या बताओ। अगर हम अपने घर में होंगे तो हम उसको ताकत जो होता है उसके नीचे भारी चीज, किसी भारी चीज के बताओ। और हमें बड़ी बिल्डिंग के पास नहीं जाना चाहिए, खड़े नहीं होना है ना। हाँ कर से लौट बेटा। अब आपने देखा कि हमें क्या क्या चीजें और क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए। अच्छा, इतना हम लोगों ने इस पे बातचीत की क्यों? क्योंकि जो अभी कुछ समय पहले ही आप लोगों को पता है भूकंप आया था, और क्या भविष्यवाणी की गई कि अभी जो हमने आपको बताया था किस वजह से आया, अंदर प्लेटें जो है नीचे वो व्यवस्थित नहीं है। तो अभी भी जो लोग बता रहे हैं, जो ये सर्च करते हैं, जो पता करते हैं, वो ये बता रहे हैं, भूगोल वेत्ता जिनको कहते हैं, वो ये बता रहे हैं कि अभी भी वो पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हुई है। तो इसका मतलब भूकंप अभी भी आ सकता है, इसलिए हमें ये जानकारियां जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो आपने स्कूल में जानकारियां ली, इसके आप कब इसके आगे क्या करना है? अपने घर के आसपास या जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी इन जानकारियों को बताना है, ठीक है? ताकि आपने तो यहाँ समझ लिया, लेकिन उनको भी इन सब चीजों से के बचाव के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो आगे के बारे में बताया गया है उसमें भी भूकंप आ सकते हैं। तो इसलिए अब आपको समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग कल दूसरा चैप्टर करेंगे। Thank you, auntie.